सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अपनी प्रतिभाओं से देश का तिरंगा विदेशी धरती पर ऊंचा करते हैं। आज हम आपको जूनियर हॉकी टीम में अहम भूमिका निभाने वाली मंजू नाम की एक ऐसी खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस बेटी को खड़े होकर सैल्यूट करोगे। सोनीपत के ब्रह्मनगर में रहने वाली एक परिवार के संघर्ष की कहानी आपको प्रेरणा देगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार का रहने वाला एक परिवार करीब 39 साल पहले अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए सोनीपत रहने आया था। वहीं परिवार ने दिन रात कड़ी मेहनत की। उस समय उसे 300 रुपए मजदूरी के मिलते थे जिसमें परिवार का गुजारा चलता था। मंजू के पिता पहले फैक्ट्री में काम कर अपने परिवार का गुजारा करते थे। मंजू 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है। उससे बड़े 2 भाई प्राइवेट नौकरी करते हैं। मंजू ने 2010 में हॉकी पर बनी फिल्म चक दे इंडिया देखी, जिसके बाद उसने अपने मन में ठानी कि उसे हॉकी में कुछ कर दिखाना है। मंजू के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने अपने खेल के बीच में अपनी गरीबी को भी आड़े नहीं आने दिया। मंजू की दोस्त उसे हॉकी के मैदान में लेकर गई और कोच से मिलाकर हॉकी का सामान देकर खेलने के लिए दिया, जिसके बाद मंजू आगे बढ़ती गई। लेकिन परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे खेलने के लिए हर सुविधा उपलब्ध करवा सके। मंजू के पिता उसे खेलने के लिए प्रेरित करते और उसको किसी चीज की कमी ना हो इसके लिए दिन में 15-15 घंटे मेहनत मजदूरी करते ताकि उसकी बेटी खेल सके और अपने सपने पूरे कर सके। मंजू के पिता ने बताया कि एक समय ऐसा था कि जब परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। मंजू के अलावा उसके 2 बेटे हैं जिनको पढ़ाने लिखाने का भी खर्च होता था। इसके बावजूद भी वो मंजू के लिए डबल मेहनत करते ताकि उनकी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस ना हो और वो खेल कर आगे बढ़ सके। मंजू अब फिलहाल रेलवे में कार्यरत है। 84 में क्या सोच कर आए थे हरियाणा में? सोच कर आए थे, यही बस रोटी कमाने के लिए आए थे। कितने बच्चे आपके पास? अभी फिलहाल 3 बच्चे हैं। बेटी कब खेलने लगी थी आपकी? बेटी खेलने लगी 2006 से। कभी रोका नहीं बेटी को? बेटी जी नहीं, एक खिलाड़ी बनने के लिए बहुत खर्चा होता है। वो तो रोका नहीं मैंने, मैंने कहा ये जो तू खेलेगी जो कहेगी मैं पूरा करूँगा, पैसे भी पूरा करूँगा, मेहनत करके मजदूरी करके जैसे भी होगा पूरा करूँगा। आज बेटी ने देश में नाम रोशन किया है, किया कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। क्या कहना चाहोगे बेटी को? बेटी को कहूँगा ये और आगे खेलो, मैं जहाँ तक होगा अब तो कोशिश करूँगा कि जहाँ तक। पान बेचने का काम कब से कर रहे हो आप? पान बेचने का काम 6-7 महीने से कर रहा हूँ। जिस समय हरियाणा में आई थी उसमें क्या सैलरी मिलती थी आपको? जी 350 रुपया मिलती थी। क्या परिवार का गुजारा हो जाता था? इतना ही में करते थे ओवर टाइम करके, 12-15 घंटा डबल ड्यूटी करके उसमें गुजारा करते थे। कभी ऐसी नौबत भी आई कि बेटी के लिए जूते और स्टिक खरीदने के लिए पैसे ना हो? आई है स्थिति, लेकिन हम किसी तरह मेंटेन किए हैं, पूरा किए। हम बिहार से बहुत पहले आए थे, ये कोई 30-35 साल पहले, तब तो हम थे भी नहीं, बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम तो। और बहुत खुशी है हमें कि हमारी बहन ने ऐसा काम किया है कि मतलब सबका प्राउड है हम सबको, और काफ़ी अच्छी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इसने। और जैसे शुरू शुरू में तो काफ़ी दिक्कत होती थी, शुरू शुरू में इसने 2006 में खेलना चालू करा था, जब कोई मूवी देख के, चक दे इंडिया मूवी देख के इसने बोला था कि मुझे खेलना है। फिर हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं खेल लेगी। खेलने के बाद फिर देखा हमने कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, जो कोच है प्रीतम शिवाच बुद्धि वो भी बोलती थी कि बहुत अच्छा खेल रही है और आगे तक जाएगी। फिर बीच में काफ़ी दिक्कतें भी हुई हमें, जैसे पापा मेरे प्राइवेट जॉब करते थे उस टाइम तो काफ़ी 3 भाई बहन हैं तो हमें पढ़ाया लिखाया अच्छे से, और बाकी कभी बीच में बहुत दिक्कत भी हुई, शूज़ वगैरह के लिए इसके कभी दिक्कत होती थी और हॉकी स्टिक वगैरह के लिए, लेकिन फिर पापा ने कैसे मैनेज करा। फिर उसके बाद कुछ बाद हम भी थोड़ा बहुत काम धंधा करने लगे थे तो फिर उसके बाद मैनेज हो गया था सब। अभी पूरा परिवार कितने गज के मकान में रहता है आपका? अभी हमारा जो अभी हमने लिया ये 78 गज का है, अभी लोन पे लिया है। पापा पान की दुकान लगाते हैं? हाँ पापा मेरे अभी वो उनकी एज वगैरह हो गई तो फिर अब
प्राइवेट जॉब तो मिलेगी नहीं, तो अब अपना उन्होंने दुकान कर रखी है प्राइवेट। और बहन ने देश का नाम रोशन किया, कितनी खुशी है परिवार की। बहुत खुशी है परिवार की, और हमारे जो हमारे वहाँ बिहार से भी हमारे चाचा मामा जो भी मामा हैं मामी हैं मौसी है सब ने फ़ोन करके हमें बधाइयाँ दी हैं, और आस पड़ोस में भी सब लोग बधाई दे रहे हैं। कभी सोचा था कि मेरी बहन इतनी बड़ी खिलाड़ी बनेगी? हमने ये तो नहीं सोचा था, लेकिन जिस मेहनत से कर रही थी हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो ये कुछ ना कुछ तो करेगी। बाकी और हम और इसको मतलब अपनी तरफ से आशीर्वाद देना चाहेंगे कि और आगे करें। अब तो रेलवे में जॉब भी लग गई है? हाँ, रेलवे में इसकी जॉब लग चुकी है। अभी तो ये खेलने जाने से पहले ही लगी थी इसकी जॉब, तो अभी कुछ मेरे ख्याल में 7-8 महीने हुए होंगे। प्रतिदिन कितनी मेहनत करती है? प्रतिदिन ये बहुत मेहनत करती है। अभी फिलहाल हमें तो अब तो कुछ हम यहाँ तो रहती नहीं, अब तो ज़्यादातर बेंगलोर में ही रहती है, लेकिन शुरू से हमने देखा बचपन से ही बहुत मेहनत करती है। सवेरे 4-5 बजे उठ के फिर अपने आप ग्राउंड में जाना वगैरह, छोटी थी जब तो हम लेके जाते थे, उसके बाद तो फिर अपने आप ही मेहनत करने लगी। शाम को भी 4 बजे से चली जाती थी, 5 बजे तो आती थी 7-7:30 तक। सर 2010 में मैंने स्टार्ट किया था, और चक दे इंडिया मूवी देख के उससे इंस्पायर होके कि मुझे भी ऐसा कप जीतना है, मुझे भी ऐसा खेलना है, और फिर मैंने सेवंथ क्लास में स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद कहाँ पहुँचे आप, कहाँ से किसके संपर्क में आए खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए? मैंने फिर हमारे साइड में एक दीदी थी, उन्होंने इस ग्राउंड में प्रीतम मैम के पास लेके आए, तो उन्होंने स्टिक पकड़ाई मुझे और हॉकी बॉल दी और शूज़ वगैरह दिए, और फिर उन्होंने हमें सिखाया। कभी परिवार की ऐसी स्थिति हुई कि हॉकी और शूज़ खरीदने के लिए परिवार को भी नौबत आई हो? हाँ जी, जब स्टार्टिंग में तो नहीं थे तो मैम ही देती थी, तो हमें दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। परिवार में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा छोटी सी शॉप है, पान बेचते हैं, और भाई भाई एक अकाउंटेंट और एक डिज़ाइनर है, दोनों बड़े हैं मेरे से, और मम्मी हाउस वाइफ। पहले क्या करते थे पापा? पापा पहले कंपनी में काम करते थे। जब कंपनी में काम करते थे गुजारा था परिवार का उस समय? नहीं, क्योंकि उस टाइम बस पापा ही काम करते थे, क्योंकि हम सब छोटे थे तो बहुत मुश्किलें होती थी, पर ज़्यादातर मुझे ही देखा जाता था, क्योंकि मैंने स्टार्ट करा तो मुझे किसी चीज़ की भी जरूरत होती तो पहले मुझे ही देखते थे घर वाले लोग। जब हॉकी खेलने लगी थी कभी परिवार ने रोका नहीं? बाकी फुल आर्थिक स्थिति कमजोर है? नहीं, उन्होंने रोका तो नहीं, फुल सपोर्ट था परिवार की तरफ से। अब आगे किस तरह की तैयारियां हैं, ये कप जीतने के बाद कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, अभी और आगे मेहनत करनी है, और हमें वर्ल्ड कप में भी मेडल लेके आना है, पूरी कोशिश है हमारी और मेहनत करेंगे। ये मेरे पास 6th क्लास से स्टार्ट किया था इसने, वैसे तो 5th से ही आने लगी थी, बहुत छोटी थी जब मेरे पास आती थी, और जब से इसने जो है स्टार्ट किया था। परिवार की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि जूते और हॉकी खरीद पाए, उसको लेकर भी आर्थिक कमजोरी जूझ रहा था परिवार। हॉकी तो देखो इस ग्राउंड में, जैसे अभी हमने कुछ बच्चों को बोलते हैं अदरवाइज हॉकी पहले कभी कोई बच्चा नहीं खरीदता था, सब चीज़ यहीं से और ग्राउंड से ही देते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि ग्राउंड से प्रोवाइड करें, कोई बच्चा हमारा हॉकी नहीं खरीदता। ये बच्चे बीच बीच में कई बार बोलते हैं भाई हमारे पास हॉकी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, हमने कभी हॉकी खरीदने के लिए किसी बच्चे को नहीं बोला। और इसके घर की स्थिति बहुत डाउन थी, और मैं देखती थी मेरे घर के सामने एक छोटे से कमरे में अपनी माँ के साथ रहती थी। कभी ऐसा किसी ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, शूज भी नहीं ले पाती, हॉकी स्टिक के लिए भी मजबूरी सामने आई है? आती रहती थी, हमें पता था इन बच्चों के पास, मैं देख लेती थी किस बच्चे की स्थिति ज़्यादा कमजोर है, तो उन बच्चों को मैं ही हॉकी बॉल जूते सब पूरी चीज़ें हम प्रोवाइड करते। अब तो इसने देश का नाम रोशन किया है, ये कब जीत कर? ये बहुत अच्छी बात है, ये अभी 2 साल पहले इसने नॉर्दर्न रेलवे ज्वाइन किया, और बच्चों की भी हेल्प करती है। देखो जो बच्चे ऐसी स्थिति में आते हैं वो ग्राउंड में बहुत सहयोग भी करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनका भी हेल्प किसी ना किसी बच्चे ने की है, तो जो घर की स्थिति थी उसको अब इसने ऊपर उठाया। आगे किस तरह की तैयारियां रहेगी इन बच्चों की? तैयारी तो अब बस सीधी है, वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करेंगे, और वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करके आना चाहिए इनको, एटलीस्ट मतलब मेडल टैली में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके खिलाड़ी प्रीति जो इस टीम की कोच भी थी कैप्टन, उसका किस तरह था? हाँ वो कैप्टन थी और बहुत अच्छी प्लेयर है, बड़ी सिंसियर है, दोनों ही बहुत मेहनती हार्डवर्कर है, और टीम को लीड किया और उसकी कैप्टनशिप में गोल्ड मेडल आया, बहुत बड़ी बात है। कितने घंटे एक पहलवान इसको खिलाड़ी को प्रैक्टिस करनी पड़ती है? कम से कम हम लोग जैसे 2.5 या 3 घंटे एक टाइम प्रैक्टिस करते हैं।